फ्रेंड्स, आप लोग facebook.com/ads मैनेजर ओपन कर लें। एंड जैसे ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ डैशबोर्ड आपको दिखेगा। एंड यहाँ से आप वो एड अकाउंट सेलेक्ट कर ले जिसमें आपको लुको लाइक ऑडियंस बनाना है। सो लेट्स से मैंने ये वाला एड अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। नाउ आपको ये प्रोफाइल्स का आइकन्स दिख रहे हैं जो ऑडियंस बेसिकली होता है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, देन आपको जाना है क्रिएट ऑडियंस, एंड देन आपका जो सेकंड ऑप्शन है लुक लाइक ऑडियंस पे आपको क्लिक करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये अंडरस्टैंड करते हैं कि लुक लाइक ऑडियंस हम लोग यूज क्यों करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पिक्सेल को अपने वेबसाइट में ऐड करा है एंड ऐड रन कर रहे हैं तो ही आप लुक लाइक ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, अगर आपके पास एड्स का डेटा है, इट मीन्स कि आप पहले से एड्स रन कर रहे हैं तो ही आप लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट कर पाएंगे, अदरवाइज आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। या एक और ऑप्शन है, अगर आपके पास डेटाबेस ऑफलाइन डेटा है तो उसको आप अपलोड करके उसके अराउंड लुक लाइक ऑडियंस आप क्रिएट कर सकते हैं। ये थर्ड ऑप्शन है। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि लुक लाइक ऑडियंस क्यों क्रिएट करते हैं। फ्रेंड्स, आप काफी टाइम से एड्स रन कर रहे हैं एंड जो ऑडियंस है उसी ऑडियंस के सिमिलर आपको कुछ एडिशनल ऑडियंस चाहिए जिनको आप अपने एड को दिखा के आप एक आरएनडी कर सके कि टारगेट की वहां से कुछ आउटकम आ रहा है नहीं आ रहा है, या हो सकता है कि उसको अगर टारगेट करे तो वहां से आउटकम ज्यादा आया है। सो बेसिकली आई मीन टू से दैट कि आपने जो एड रन करा है डेफिनेटली आपके पास ऑडियंस का डेटा है जिसमें आपका ऑडियंस का बिहेवियर होता है, जॉब टाइटल होता है, इंटरेस्ट होता है। सो उसके अराउंड जो है आप चीजों को ले सकते हैं। सो उसी ऑडियंस के सिमिलर कुछ एडिशनल ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हैं, देन आपको लुक लाइक ऑडियंस को क्रिएट करना होता है। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया। इफ यू नीड सम मोर क्लियरिटी सो आप कमेंट कर सकते हैं। सो पार्टिकुलर इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। सो यहाँ पे अब आपको लेना है ऑडियंस का सोर्स। सो देखिए यहाँ पे पिक्सल्स हमने ऐड किया हुआ है, सो इट्स शोइंग हियर पिक्सल। अदर सोर्स है तो हम अदर सोर्स भी ले सकते हैं। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये मैंने ले लिया। सो देखेंगे जब भी आप लोग लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करेंगे वो सोर्स हमेशा पूछेगा ही पूछेगा। सो ऑलरेडी आई एक्सप्लेन यू देर आर थ्री काइंड ऑफ सोर्स जिसके भी यहाँ पे आप लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड, सिलेक्ट ऑडियंस लोकेशन। फ्रेंड्स, इफ यू वॉन्ट टू टारगेट सिटीज और स्मॉल एरिया सो आप उसको टारगेट यहाँ से आप नहीं कर पाएंगे। लेट्स से मैंने यहाँ पे पुणे टाइप करा, सो इट्स नॉट शोइंग। अगर आप यहाँ पे लखनऊ आप लिखते हैं सो आप नहीं कर पाएंगे। सो पार्टिकुलर यहाँ पे आपको पार्टिकुलर कंट्री को टारगेट करना होता है। लेट्स से मैंने इंडिया लिखा है यहाँ पे, सो आपको इंडिया लेना होगा। नाउ व्हाट कुड बी हैपेंड, जैसे आपने इंडिया लिया एंड आपका जो एडिशनल टारगेटिंग का जो सेट है, लेट्स से आपका ऑडियंस का जो बिहेवियर है, जॉब टाइटल है, उसी के अराउंड फेसबुक जो है पैन इंडिया से एक एडिशनल ऑडियंस का सेट जो है वो प्रिपेयर करना शुरू कर देगा। नाउ सेकेंड ऑप्शन है आपका ऑडियंस के साइज। फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑडियंस का साइज 0 से लेकर 10 तक जाता है। नाउ अगर आप 1 अगर लेते हैं तो जो आपका एग्जिस्टिंग एड में तो एग्जैक्ट जो टारगेटिंग कर रहा था उसी के अराउंड ऑडियंस को एडिशनल डेटाबेस जो है डेटा वो ऐड करेगा। अगर आप 2 पे करते हैं तो उसमें से कुछ टारगेटिंग मिलता है तो भी दिखाना शुरू कर देगा। लेट्स से कि हमने 3 टारगेटिंग ऐड करा है, इंटरेस्ट, बिहेवियर एंड जॉब टाइटल। सो फर्स्ट अगर आप लेते हैं तीनों ही चीज़ें मिलेंगी तो ही उसी के अराउंड ऑडियंस को ऐड करना शुरू कर देगा। अगर आप सेकेंड पे लेते हैं सो तीनों में से 2 भी मिलता है तो भी ऐसे ऑडियंस को उस बकेट में ऐड करना शुरू कर देगा। अगर थर्ड पे जाते हैं सो उनमें से कोई एक भी मैच अगर करते हैं तो ऐसे ऑडियंस को बकेट में ऐड करना शुरू कर देगा। सो ऑन ये अगर बढ़ता चला जाता है तो वो जो है आपका वो ब्रॉड होता चला जाता है। नाउ अब आपके यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। सो मैंने यहाँ पे 1% ले लिया एंड मैंने क्रिएट पे क्लिक करा। सो जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपका क्रिएट हो जाएगा लाइक दिस। सो ऐसे क्रिएट हो जाएगा एंड उसके बाद से फ्रेंड्स जब आप फर्स्ट टाइम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि लाइक पॉपुलेटिंग द डेटा या कुछ ऐसे दिखाएगा कि गेटिंग द डेटा एंड इट विल टेक 2 to 3 working days एंड उसके बाद से आपके पास रेडी का ऑप्शन आ जाएगा। जब रेडी का ऑप्शन आ जाएगा तो आप इसको अपने एड्स में यूज करके टारगेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन कमेंट बिलो। एंड फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू लर्न सोशल मीडिया मार्केटिंग फ्रॉम स्क्रैच देन उसका लिंक मैं एड बटन पे दे दूंगा, आप जाके वहां से लर्न कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।